नौणी विश्वविद्यालय के कीवी परिक्षेत्र से मैं विशाल राणा आप सभी बागवान भाइयों का स्वागत करता हूं। आज हम कीवी फल की खेती संबंधित जो काट छांट इसमें की जाती है उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। काट छांट जो है शीतोष्ण फलों में आमतया एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इसमें आजकल देख रहे हैं हम इसके पत्ते झड़ जाते हैं और हमारे जो ठंडे प्रदेशों में जो फल होते हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं और काट छांट करके हम ये निर्धारण करते हैं कि इसमें कितना फल लेना है। और दूसरी बात इसमें ये भी रहते हैं, अगर इन पौधों को हम मनमाने ढंग से हम बढ़ने दें तो इसका आकार जो है जो ठीक नहीं रहता है, और इसको व्यवस्थित आकार और अच्छी गुणवत्ता वाले लंबे समय तक फल लेने के लिए हम काट छांट जो इसमें काम है वो करते हैं, और ये दिसंबर और जनवरी के माह में करते हैं। और इसमें हम देख रहे हैं पूरे बगीचे में कहीं पत्ते नहीं हैं, क्योंकि पत्ते जो हैं वो पीले पड़ करके झड़ गए हैं और ये पौधा जो है सुप्तावस्था में है। तो ये सुप्तावस्था में है तो इस वक्त काट छांट जब हम करते हैं तो इसमें कोई विशेष नुकसान नहीं होता है। दो बातें आती हैं हमारे इसमें, एक ट्रेनिंग और एक प्रूनिंग। ट्रेनिंग का मतलब सिधाई और प्रूनिंग का मतलब काट छांट। हर पौधे में जो शीतोष्ण फल हैं सेम में दूसरी तरह से काट छांट होती है, आड़ू के पौधे में दूसरी तरह से होती है, क्योंकि ये बेल है कीवी का पौधा, तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम काट छांट कैसे करते हैं, क्योंकि एक बेल जो है 3 से 5 मीटर तक इसमें ग्रो करती है। तो पहले मैं सिधाई की बात आपसे करना चाहूँगा, तो सिधाई के लिए जो इसमें विधि इस्तेमाल होती है उसको टेलीफोन विधि बोलते हैं या टी वार ट्रेलिस सिस्टम बोलते हैं। इसमें टी आकार का एक एंगल आयरन होता है जिसकी जमीन से लेके इस पौधे तक जो हम ऊंचाई है वो क्लियर 6 फुट रखते हैं और 1.5 फुट हम नीचे जाते हैं ताकि इसकी ग्राउटिंग करते हैं 1 फुट बाई 1 फुट की, ताकि ये मजबूत रहे, क्योंकि पौधे का वजन भी होता है। ऊपर से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 क्विंटल तक ये फ्रूट दे सकता है, तो ये मजबूत रहेगा। और इस मोटाई जो है 65 mm × 65 mm × 6 mm, ये 3 इंच वाला बोलते हैं, या इसकी थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, ये लगभग 36 किलो पड़ जाता है ये। और इसकी अगर एक लेंथ देखी जाए, हम रनिंग लेंथ देखते हैं तो 20 फुट के करीब ये पड़ता है। तो 20 फुट में 6 फुट ये क्लियर हाइट, 1.5 फुट नीचे जा रहा है 7.5 फुट, और 6 फुट ये ऊपर जा रहा है 13.5 फुट, और 3 फुट ये और 3 फुट ये, 6 फुट, तो 19.5 या 20 फुट के करीब रनिंग लेंथ। अगर हम 65 × 65 × 6 की जगह अगर हम 50 × 50 × 6 करें तब उससे 32 किलो हमारा जो एंगल जो आयरन का बाई वेट पड़ता है, वो थोड़ा सा हम पैसा बचा सकते हैं, वो भी इक्वली गुड है। उससे नीचे भी एक आकार है लेकिन वो साइज़ है वो छोटा पड़ता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 65 के बजाय अगर हम 50 वाला करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये 6 फुट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक मध्य तार होती है, 5 तारें होती हैं, 2 तारें इस तरफ, 2 तारें इस तरफ, 1 बीच में, तो ये तारें रखना बहुत जरूरी है। इसका 4 mm डायमीटर रहता है और ये 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाई जाती हैं। जब हम पौधा लगाते हैं जनवरी के महीने में तो ये पौधा जैसे हमने ये सिधाया है इससे ये सीधा जाना चाहिए, जो कि सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि ये बेल है इसकी उलझने की प्रवृत्ति है। तो ये उलझने से कैसे बचा सकते हैं, इसको हम जब पौधा लगाते हैं उससे सीधा डंडा हम 1.5 मीटर का रखते हैं और उसको जगह जगह सुतली से बांध देते हैं ताकि ये बेल सीधी ऊपर जाए, और सीधी ऊपर जाएगी तो अगर ये मुड़ेगी तो आपको काम करने में वो ठीक नहीं रहेगा, और जो नीचे की जड़ों से जो तत्व इसने लेने और पानी लेना है वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, वो एक परमानेंट डिफेक्ट बनता है अगर ये बेंडिंग हो जाए या कहीं इंजरी हो जाए। तो इसको जगह जगह से हम जो भी चीज़ आती है उसको काटते हैं, और ये इसमें उलझने ही नहीं चाहिए, तो इसलिए हम डंडे से जगह जगह बांधते हैं। और एक जो मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूँ, जब सिधाई की बात कर रहा हूँ, तो ये जो लेवल है इसका, इससे 1 फुट दूरी पे जब ये बेल पहुँचती है कुछ 4-5 महीने बाद लगाने के बाद, तो इसमें विपरीत दिशा में 2 आँखें लेते हैं हम, जैसे ये लिए हैं, और यहाँ से पौधा काटेंगे, और ये 2 आँखें जब फरवरी के बाद जैसे तापमान बढ़ता है तो 2 बेलें फेंकते हैं जिनको हम विपरीत दिशा में ले जाते हैं, और ये 2 जो है लेटरल या आर्म्स या स्थाई बाजू इसके होते हैं। तो ये लेटरल जो है ये स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं हमने 40 साल तक इस पौधे से फल जो है वो लेना है, तो ये लेटरल को सिधाने के लिए। और मैं जो बात कर रहा था कि ये 1 फुट इससे नीचे क्यों डालना चाहिए, इसका मकसद ये है कि जब पौधा ग्रो
ग्रो करता है, जब ये फटेगी टहनी या साइड को निकलेंगी तो ये ऊपर को भी ग्रो करेगा। अगर ये स्थिति आती है तो ठीक है, अगर ये बैलून करेगा तो दोबारा, अगर ये ऊपर से मुड़ेगा तो जो तत्व नीचे से आएंगे वो रुकेंगे, तो उससे वो एक डिफेक्ट बन जाता है। उसके बाद जब ये टहनी निकलती है तो इसमें हम, ये पौधा है जैसे, अब मैं ये बता दूं कि जितने पौधे होते हैं लगभग एंगल आयरन उतने ही लगते हैं, और एक एंगल आयरन वन टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट है जो कि 2.5 से 3 हज़ार एक एंगल का लगता है, और जितने पौधे लगते हैं उतने ही एंगल आयरन लगते हैं। और जो लास्ट वाला एंगल आयरन है इसमें अंदर में हमने एक सपोर्टिंग जो है टेरेस लगाते हैं, क्योंकि लास्ट वाले एंगल आयरन में प्रेशर ज़्यादा रहता है पूरी लाइन का, इसलिए ये ज़रूरी है। और दूसरी बात, जब ये टहनी आती है तो हमने ये पूरा, ये जो एंगल आयरन है दो पौधों के बीच में रहता है, और दो पौधों का जो अंतर है वो 6 मीटर है, तो बीच में 3 मीटर पे ये एंगल आयरन आता है, तो यानी कि ये बाजू 3 मीटर इस तरफ जाएगा और ये 3 मीटर दूसरी तरफ जाएगा। और ये ज़रूरी है कि हम इस पूरे स्पेस को यूज़ करें ताकि हम फ्रूट, और ये जानना ज़रूरी है कि जो फल देने वाली टहनियाँ हैं, जो अस्थाई टहनियाँ होती हैं, वो इन परमानेंट टहनियों से निकलती हैं। जैसे ये टहनी है, ये अस्थाई टहनी है, ये जो है अब हमने यहाँ काट दी तो ये टहनियाँ फटेंगी, तो ये फल जो आएगा नई टहनी पे आएगा जो एक साल पुरानी टहनी से निकलती है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर बाय चांस हमने कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग टहनी पीछे से निकाल दी तो ये आगे कमज़ोर पड़ती रहेगी। तो पहले 2 साल पौधा लगाने के पहले 2 साल हमारा यही प्रयास रहना चाहिए कि ये टहनियाँ ज़्यादा ना निकले और ये टहनी ज़ोरदार निकले, ताकि हम 40 साल तक नियमित और अच्छा फलन ले सकें। तो ये ट्रेनिंग का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है कि पहले इसका फ्रेमवर्क ठीक हो। फ्रेमवर्क तभी ठीक होगा, ये सीधा जाएगा, ताकि आप कोई भी काम बीच में कर सकते हैं, और जो दो परमानेंट ब्रांचेज हैं या लेटरल हैं वो ठीक जाएंगे, और उसके बाद आगे वाला काम जो है वो साइड को टहनियाँ निकलती हैं। तो सिधाई का बेसिक जो स्ट्रक्चर है यही है कि ये थोड़ा सा अब ऊपर है तो इसलिए हमें स्टूल रखना पड़ रहा है, तो ये गलती हमने नहीं करनी है। ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 6 फुट हो तो ठीक है, ये 8 फुट है तो इसमें स्टूल की जरूरत पड़ती है। तो हमारे लिए इतनी ईज होनी चाहिए, इतना आसानी होनी चाहिए कि हम खड़े खड़े ये काट छांट का काम जो है कर सके। ट्रेनिंग में एक बात और ध्यान रखनी है, जब ये, क्योंकि ये टहनी हमने बड़ी निकाल दी थी तो ये गलत हो गया, अगर ये टहनी नहीं निकली होती तो ये जोरदार टहनी होती और ये जगह यहाँ तक ये टहनी जाती और ये फिर ज़्यादा फ्रूटिंग एरिया हमारे पास होता और ज़्यादा फल हमें लगता। तो ये, और इससे जो टहनियाँ फल देने वाली टहनियाँ लगती हैं उसमें फलन उन टहनियों में ज़्यादा अच्छा होगा जो इससे 90 डिग्री के एंगल पर पूरी तारों पर फेंकेंगे। तो ये तो है इसका सिधाई का, लेटरल मेन ब्रांच और उसकी टहनी और साइड में फ्रूट देने वाली टहनी। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण, जो नियमित हर साल जो हम शीतोष्ण फलों में करते हैं, वो है प्रूनिंग। आप देखिए ये पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें प्रूनिंग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसमें हमने थोड़ी सी गलतियाँ ये कर दी थी, मोटी मोटी टहनियाँ आ गई तो ये सारा जिग जैग हो गया। ये ऐसा, अब जो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का देखते हैं जैसे न्यूजीलैंड इटली वाले करते हैं लोग, तो अब उनका लॉन्ग कैन सिस्टम हुआ। पहले क्या करते थे हम, जैसे कोई एक टहनी आती है, अब देखिए ये टहनी पिछले जनवरी को ये काटी थी यहाँ से, फिर इन आँखों ने छोड़ा, ये जो नई टहनी आई ये फल लगा, ये देखिए, और इतनी नज़दीक लग गया, फल बहुत लगा लेकिन इसमें साइज जो है छोटा रहा। और जो कीवी की मार्केट है वो सारी साइज के ऊपर है। साइज तभी होगा जब हम नियमित जो एक संख्या में फल रखेंगे और सीमित संख्या में फल रखेंगे और उनको नियमित दूरी पर रखेंगे, ताकि उसका जो गुणवत्ता होगी इन टर्म्स ऑफ जो साइज है वो अच्छा होगा और वेट। तो इसलिए अब हमने क्या करना है, अब हम इनको हटाएंगे, जैसे हम इसको करेंगे, अब कायदे से तो ये जो टहनी है इसमें कोई फ्रूट नहीं आएगा, लेकिन जब इसको काटेंगे तो इससे एक नई टहनी आएगी, ये एक साल पुरानी टहनी हो गई, इससे एक टहनी और निकलेगी उसमें फ्रूट लगेगा। तो ये जो करंट सीजन शूट है, जो नई टहनी आएगी उसमें फ्रूट लगेगा। देखिए ये
ये एक साल पुरानी टहनी थी, इसकी आंखें फटी, जगह जगह से ये फ्रूट आया। अब इस पर कोई फ्रूट नहीं आएगा, इस पर कोई फ्रूट नहीं आएगा। जब हम काटेंगे इससे जो टहनी आएगी उस पर फ्रूट आएगा। तो सबसे पहले ये जरूरी है, जब हम काट छांट किसी भी पौधे में करते हैं, आड़ू का पौधा वो बीच से खुला मांगता है, सेब का पौधा वो कंपैक्ट वो कैनोपी मांगता है, तो कीवी की बेल में ये जानना जरूरी है कि इसमें जो फलन है वो नई टहनी पे आएगा जो एक साल पुरानी टहनी से निकले। पहले हम क्या फॉलो करते थे, जो ट्रेडिशनल मेथड था, ये जो मैंने बताया आपको कि दो लेटरल होते हैं, जो आर्म्स होते हैं, इससे कोई टहनी निकलती थी, जब उसको काटते थे उससे कुछ आंखें फटती थी। हम पहले, हमारा ये नॉलेज था, बेसिक नॉलेज, कि जो पहली 4 से 12 आंखें होती हैं, 4 से 12 आंखें होती हैं, वो पोटेंशियल फ्रूटिंग बर्ड्स होती हैं, फल उनमें लगता है और बाकी हम काट देते थे। तो पहले हम 6 से 8 आंखें रखते थे, लेकिन अभी क्योंकि हम इन टच रहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं इसके कीवी के, तो अब इसमें सारा जिग जैग हो जाता है। ठीक है, आप संख्या में फल बहुत ले लेंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर डिजायरेबल नहीं है। तो इसलिए मैं दोबारा वापस उस पौधे में ले चलता हूँ आपको। तो चेंज किया है कि ये जो टहनियाँ पहले हम 6-8 आंखें रखते थे, हम नियमित दूरी पे, ये देखिए क्योंकि ये पौधा अभी गैप फिलिंग हुई है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 3-4 साल पुराना ही है। तो ये जो टहनी रखी, ये लंबी टहनी हम रखेंगे, लंबी टहनी रखेंगे और रस्सी से बांध देंगे ताकि ये 90 डिग्री पर रहे, और ये टहनियाँ जितनी ज़्यादा फटेंगी उतना ज़्यादा फ्रूट रहेगा। उसके बाद जो उसमें फल आएगा, जब एक गुच्छे अगर 5-7 आ जाते हैं, तो उसको हमने नियमित उसमें एक टहनी से 3 फ्रूट आ जाते हैं, तो साइड के फ्रूट हमें हटाने होते हैं ताकि उसका साइज, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि हमारे 90 के दशक में जो पौधे लोग काटने लगे थे लगाने के बाद, तो उसका मेन था जो विदेशों से फ्रूट आ रहा था उससे हम साइज नहीं मैच कर पा रहे थे, तो साइज पर हमारा ज़्यादा प्रयास रहता था, इसलिए हम नियमित दूरी पर ब्रांचिंग। ऐसे लगता है कि ये पौधा खाली है, पर ऐसे मत सोचिए, क्योंकि जब इसमें टहनियाँ निकलती हैं तो ये बहुत तेज़ गति से बढ़ता है, 3 से 5 मीटर तक ये टहनियाँ बढ़ती हैं, और जब ये आंखें फटेंगी, जब ये मैं कह रहा था कि 6 से 8, अब ज़्यादा रख लिया हमने, 10 आंखों तक रख लिया, तो 10 में से अगर आपकी 6-7 भी फटती हैं तो हमारे पास काफ़ी फ्रूट नियमित दूरी पर आएगा। और काट छांट का जो होता है कई मकसद होते हैं, पहला मकसद ये होता है कि जो उलझ रही टहनी होती है उनको हटाना है, उन ताकि रोशनी उसमें प्राप्त पड़े, उसमें परिपक्वता जो है वो सही समय पे आए, और जब हम उनको काटेंगे, उलझी हुई टहनियों को काटेंगे, तो बीच में जब फूल आएंगे तो मधुमक्खियों का जो मूवमेंट है वो अच्छा रहता है, क्योंकि ये एकलिंगी पौधा है, पर परागण पर निर्भर है, तो इसमें जो पॉलिनेशन प्रोसेस है मक्खियों की एक्टिविटी ज़्यादा होगी और आपका फ्रूट की गुणवत्ता अच्छी होगी, क्योंकि रोशनी से फल की गुणवत्ता निर्धारित होती है, तो इसलिए रोशनी पर्याप्त पड़ेगी और सारा काम आप अच्छा कर सकेंगे और एक पौधा जो है एक व्यवस्थित और सही वाला बनेगा और फल हम अच्छी गुणवत्ता वाले लंबे समय तक ले सकेंगे। इसलिए ये दो जो पहलू हैं काट छांट के और सिधाई के, कीवी में एक विशेष महत्व रखते हैं। जो गलतियां हम शुरू में कर देते हैं, हमने फ्रेमवर्क अगर गलत बना दिया तो हम अच्छा फलन नहीं ले सकते, उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं ले सकते हैं। तो लेकिन ये जरूर है कि इतनी इंटेलिजेंट प्रूनिंग होनी चाहिए कि जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज में बोलते हैं कि जी वी शुड नॉट प्रोड्यूस वुड बट वी शुड प्रोड्यूस मोर ऑफ फ्रूट्स। तो ज़्यादा फल करने के लिए, जैसे अभी मैं कह रहा था, अब ये हमें अगर बेसिक नॉलेज होगा तो ये स्पेस सारा हमने यूज़ करना है, इससे फलदार टहनियाँ निकालनी है ताकि हम अच्छी गुणवत्ता वाले फ्रूट जो हैं वो ले सकें। बाकी हमारा जो पैकेज और प्रैक्टिस है उसमें सब कुछ डेवलप है। अगर आप बिरलन नहीं करते हैं, प्रूनिंग करते हैं प्रॉपरली, और उसके बाद इसका बिरलन, जो जैसे मैंने बताया 3-3 फल एक टहनी से निकलते हैं, उनको 2 को हटा दीजिए, जब मटर के दाने का होता है तब उसको बिरलन प्रॉपर करेंगे तो उससे गुणवत्ता बनी रहेगी और यील्ड भी। तो ये जो जिस बगीचे में हम खड़े हैं इसमें हमने कोई केमिकल स्प्रे नहीं किया, ये ऑर्गेनिक बगीचा है। आप देखिए ऑर्गेनिक होने के बावजूद भी फल कितनी संख्या में फल आए हैं, ये देखिए इस साल का फ्रूट है, टहनियों से भरा हुआ है, टहनियों से भरा हुआ है। और जो मैं बात कर रहा था 3 फल आने की, ये देखिए ये एक टहनी से आते हैं, और कायदा क्या कहता है कि अगर आप इसको भी रिमूव करेंगे, इसको भी रिमूव करेंगे, तो जो सारी ताकत है वो एक फ्रूट में जाएगी, तो वो फ्रूट का साइज बढ़िया बनेगा। जो इंटरनेशनल मार्केट है वो 100 ग्राम से ऊपर जो फ्रूट है वो उसको लाइक करती है, उसका रेट भी है। अगर इस रेट का, इस साइज़ का फ्रूट आपके बगीचे में है, तो जो खरीदार है वो, या जो कॉन्ट्रैक्टर है आपके बगीचे में, अपने आप पहुँचेगा
और इस तरह से आप इसकी क्वालिटी को रेगुलेट भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग पे खासकर पहले 2 वर्षों तक आप पूरा ध्यान रखिए, और इस तरह अगर इस पौधे को पूरा देखा जाए तो ये है। और जब आप अब इस पौधे को भी सुधार सकते हैं, हम जो पुराना है, अब आपको 1 साल थोड़ी हैवी कटिंग करना पड़ेगी। अगर किसी टहनी से अगर पहले ही हमने टहनियाँ निकालनी शुरू कर दी तो ये आगे जाके इसकी वृद्धि रुक जाएगी, जैसे इस टहनी में हुआ है। इस टहनी में क्या हुआ कि हमने मोटी टहनी निकाल दी और यहाँ पर वृद्धि इसकी रुक गई। तो अगर ये टहनी नहीं होती तो ये एनर्जी, फुल एनर्जी से ये टहनी आगे जाती। तो ये बात इसमें विशेषतया ध्यान देने योग्य है। और जो प्रिकॉशन है, अगर आपका कोई प्रूनर है जो एक्सपर्ट है, स्किल्ड वर्कर है, उसको चेंज मत करिए आप। उसको जो जिसको नॉलेज है बेसिक, वो ऐसे हर अगली बार आप नया ले आएंगे वो अपनी तरफ से कटिंग मारेगा, हर कहीं कैंची मारेगा, वो नहीं करना है इसमें। नहीं तो टहनी आएंगी, स्ट्रक्चर बिगड़ेगा, तो उससे सारी गड़बड़ हो जाएगी। और जब मोटी टहनी में कट लगाते हैं तो आप बोर्डो पेस्ट या चुपातिया पेस्ट या फिर और कुछ नहीं मिलता है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लाइटॉक्स को आप एक पेस्ट बना करके इस पे करो, तो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होता है और इससे नुकसान नहीं होता है। और दूसरा समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिसंबर जनवरी में होता है। कुदरत ने एक बनाई हुई चीज़ है कि जो इसमें फूड मटेरियल होता है वो पत्तों से वापस आके टहनियों में आ जाता है और पत्ते पीले होकर नीचे गिर जाते हैं और पौधा सुप्त अवस्था में, ये जैसे वैसी स्टेज है जैसे एक अनकॉन्शियस होता है, जैसे एक बेहोश पेशेंट होता है जिसका डॉक्टर सर्जरी करते हैं, उसी तरह ये प्लांट है। तो इसमें हम सर्जरी जो है दिसंबर जनवरी में करते हैं जब ये बेहोशी में होता है।